मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक अहम बैठक है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस बैठक में मौजूद होंगे। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के चयन को लेकर ये बैठक होनी है। 3 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होनी है और इस नियुक्ति में मुख्यमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होंगे। और अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है, चंडीगढ़ में अब से थोड़ी देर के बाद ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद होंगे। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है इस मामले में आपके पास? देखिए, कुछ दिनों पहले सरकार में आवेदन मांगे गए थे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए, तो कई लोगों ने जो है इसके लिए अप्लाई भी किया है, कई मीडिया से जुड़े लोगों ने भी अप्लाई किया है और कई पार्टी से राजनीतिक से जुड़े हुए लोगों ने भी इसमें अप्लाई किया था। तो आज उसको लेकर बैठक होने जा रही है और इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष का होना भी जरूरी होता है, तो इसलिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा परिवहन मंत्री मूलचंद भी इस बैठक में शामिल होंगे और तीनों जो लोग हैं मुख्यमंत्री के साथ, तीनों लोग बैठकर जो है चर्चा करेंगे, सभी नामों पर चर्चा करेंगे जो जो आवेदन आए हैं, और उन आवेदनों में से 3 नामों को फाइनल कर दिया जाएगा जिन्हें सूचना आयुक्त के तौर पर जो है वो नियुक्ति दे दी जाएगी, ताकि वो आगे सरकार के लिए काम करेंगे, सूचनाएं जो है वो प्रेषित करने का काम करेंगे, सूचनाएं साधन साझा करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो पद होते हैं, जैसे कि कुछ दिनों पहले पब्लिसिटी सेल के जो चेयरमैन का पद था वो उस पर नियुक्ति की गई थी, तो उसी कड़ी में आज जो है 3 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी और ये मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के साथ चर्चा करने के बाद इनकी नियुक्ति करेंगे। जी विजय, नाम कोई सामने आए हैं कि किन किन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर से सरकार ने ऐसे कोई नाम जारी नहीं किए हैं, हालांकि अनाधिकारिक तौर पर कई नाम सामने आए हैं, लेकिन उन पर फिलहाल चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर कोई ऐसी सूची जारी नहीं आई है। जो नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति होने के बाद खुद मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे कि किनके नामों पर जो है वो मोहर लगती है। इसके अलावा आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी अभी एक सूचना और मिली है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री जो कनाडा से जो शिष्टमंडल आया हुआ है चंडीगढ़, जिन्होंने कल ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर हैं विधानसभा के, उनके साथ एक बैठक की थी, तो हो सकता है आज मुख्यमंत्री इस बैठक के बाद उन लोगों से भी बैठक करेंगे जो कनाडा से शिष्टमंडल आया हुआ है चंडीगढ़। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका जानकारी के लिए।